बलिया महोत्सव के तहत आयोजित बाबू मैनेजर सिंह मैराथन की शुरुआत सोमवार को हुई। इस दौरान जिले के प्रभारी व आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कुंवर सिंह चौराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबू मैनेजर सिंह मैराथन के तहत 42.195 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल के अलावा पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, अपर जिला अधिकारी डीपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन व नगर मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बलिया महोत्सव के आगाज के तौर पर शुरू हुई मैराथन दौड़ में शामिल 3 धावक बेहोश हो गए। धावकों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया गया। बेहोश धावकों में एक बिहार के कैमूर जिले का और 2 जिले के शिवपुर दियर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदुमन चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगा उस पर ब्यास से। आज किस कार्यक्रम में आप भाग लिए थे, जिसकी वजह से कितने लड़के बेहोश हो गए थे? सर मैराथन में लिए थे फुल 42 किलोमीटर में। अच्छा जी, तो गए थे उसमें तो टाइमिंग तो नहीं था उसमें, 4 घंटे में निकालना था, तो मुझे हाफ ही आने लगा और जिसे 23 किलोमीटर में गया हुआ था दुबान के आगे, और यहाँ पे दर्द उठने लगा, बैलेंस बिगड़ गया मेरा, मैं गिर गया। अच्छा, कितने लड़के बेहोश हो गए? यहाँ एक पैर डैमेज हुआ है, क्रेक हो गया है हड्डी। अच्छा, और एक लड़का 9 किलोमीटर में बैठ गया तो उसका पेशाब रुक गया था। अच्छा, वो अभी डिस्चार्ज होके गया है, और वो भी लड़का भभुआ का था, वो लड़का चला गया है उधर इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के लिए? हाँ भी। अब कितने लड़के भाग लिए थे इसमें? मिनिमम 42 किलोमीटर वाले में, हाँ मिनिमम सर उसमें 60-70 लड़के थे। मैराथन दौड़ के मौके पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस आयोजन के जरिए स्थानीय खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बलिया की खेल प्रतिभाएं विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले का नाम रोशन करेंगे। और 5 किलोमीटर का मैराथन हुआ है, हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान और देश के कई कोनों से आए हुए जो धावक जो है, जो नामी गिरामी धावकों ने आज पार्टिसिपेट किया है, और आज से महोत्सव का शुरुआत होगी। देश के तमाम जो कलाकार बलिया में अपना प्रस्तुति देंगे, भोजपुरी के मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, और भी बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं। कवि सम्मेलन भी होगा, नृत्य भी होगा, हास्य भी होगा, स्थानीय कलाकारों को भी पूरा अवसर मिलेगा। पिछली बार 3 दिन का था, इस बार 5 दिन किया गया। इन नौजवानों को और यहाँ के जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको एक मंच दिया जाए, जिससे उनको प्लेटफार्म मिले अपना व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।